मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा रुद्राज आपको धारण करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा और किस किस चीज के लिए कौन कौन सा रुद्राक्ष होता है। वैसे तो रुद्राक्ष जो होते हैं वो 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, 22 मुखी तक का भी रुद्राक्ष होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो लक्ष्मी के लिए होता है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो अब हम रुद्राक्ष के बारे में आपको बताएंगे। सबसे अच्छा रुद्राक्ष जो माना गया है वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, जो प्रायः हम धारण करते हैं। रुद्राक्ष आपको किसी भी पूजा की दुकान में सावधानी से मिल जाएगा, नहीं तो आजकल ऑनलाइन रुद्राक्ष बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें आपको कार्ड दिया जाता है, गारंटी कार्ड होता है, तो वो रुद्राक्ष भी शुद्ध माने गए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो लक्ष्मी के पूजन के लिए होता है। तो आज हम आपको रुद्राक्ष के उपाय बताएंगे कि जो रुद्राक्ष होते हैं कौन कौन सा रुद्राक्ष पहनने से हमें क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर व्यक्ति इस रुद्राक्ष को सिद्ध करके पहने तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी संपदा नहीं आ सकती है, कोई भी दुख नहीं आ सकता है। एक रिक्शा वाला चाहे एक ठेला चलाने वाला भी अगर इसको अपने हाथ में पहनता है तो वो जिंदगी की किसी भी कष्ट से छुटकारा पा सकता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर वो धारण करता है तो उसे कोई भी बाहरी संपदा या दुख कष्ट उसे कभी भी नहीं आएगा। तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको ये लाभ होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष, अब हम आते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष क्यों होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी विद्या के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष उन्हें पहनाया जाता है। प्रायः बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर वो पढ़ाई से हट करके उनका दिमाग मानसिक चीजें कहीं और जाने लगती हैं, तो उसके लिए आप बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनाएंगे तो बच्चों की विद्या के रास्ते खुलेंगे और उनकी परीक्षाओं में वो सफल हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी जाते समय 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। अब हम आते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष किस लिए होता है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष होता है। जिसको भी बुजुर्गों को या महिलाओं को जो ओल्ड एज की हैं और उनको आजकल तो ब्लड प्रेशर सबको 35 के बाद हो ही रहा है, तो अगर वो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनती हैं या पहनते हैं तो ब्लड प्रेशर के लिए उनको बहुत ही आराम होगा। अब हम आते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 5 मुखी जो होता है जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में उनको बाधाएं आ रही हैं, अटकन आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सीए या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि 5 मुखी रुद्राक्ष अगर वो पहनते हैं तो उनको लाभ होगा। और 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उनको अच्छे से अच्छत से अच्छत डाल करके और उसको गंगा जल में और पीले चंदन में शुद्ध करके ही उन्हें धारण करें, लेकिन वो रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ हो तभी आपको धारण करना है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति की नौकरी में किसी भी प्रकार की अटकन आ रही है तो उसके लिए होता है। अब हम आते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो संपदा प्रदान करता है हमें। रुद्राक्ष जितना भी छोटा होता है उतना ही सुख संपदा देता है, जीवन में शांति और ऐश्वर्य बनाए रखता है और इसीलिए हम 14 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। अब हम बताएंगे कि रुद्राक्ष हम क्यों पहनते हैं, पहनते समय नियम क्या है कि प्रतिदिन गंगा या जमुना तो हम जा नहीं सकते हैं या हम वहाँ पे स्नान नहीं कर सकते, गंगा जमुना सरस्वती पे हम प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकते। तो शिव पुराण में कहा गया है कि शिव पुराण के वेद पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति गले में तुलसी की माला या गले में रुद्राक्ष की माला अगर धारण करता है तो उसकी जो तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला से जो पानी उसके तन पर पड़ता है, जब हम नहाते हैं तो जो पानी हम अपने शरीर पे डालते हैं तो वो मालाओं को टच करता हुआ या मालाओं से को भिगोता हुआ शरीर से टच करता हुआ निकलता है। तो कहा जाता है
कि आपने गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र जितनी भी नदियां हैं, आपने सारी नदी का स्नान कर लिया और आपको तुरंत फल प्राप्त हो गया। इसीलिए रुद्राक्ष अगर आप गले में धारण कर रहे हैं या तुलसी की माला भी आप गले में धारण कर रहे हैं और उसको पहन के नहाते हैं तो आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। इसी के साथ नमस्कार।